आई थिंक जब मैं कोई भी फिल्म करती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से काम करती हूँ. मैं अपने आप को भूल जाती हूँ. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने कौन सा बेंचमार्क किया है. कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं कैरेक्टर के हिसाब से वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो जो भी क्रिएट किया है मुझे पता नहीं है. मैं बस अभी इस फिल्म में जाके कुछ ऑनेस्ट और अच्छा क्रिएट करना चाहती हूँ. बहुत एक्साइटेड हूँ. यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और एक अचीवर्स अवार्ड मिलना इज ऑलवेज इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी प्रेपरेशन चालू है. ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है. बट डेफिनेटली जैसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजामौली सर के साथ काम करना है और वो पूरी हो गई. सो और पूरी हो रही है. सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली. और मेरे इट्स माई फर्स्ट टाइम वर्किंग यू नो इन द साउथ इंडस्ट्री. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई थिंक जब मैं कोई भी फिल्म करती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से काम करती हूँ. मैं अपने आप को भूल जाती हूँ. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने कौन सा बेंचमार्क किया है. कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं कैरेक्टर के हिसाब से वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो जो भी क्रिएट किया है मुझे पता नहीं है. मैं बस अभी इस फिल्म में जाके कुछ ऑनेस्ट और अच्छा क्रिएट करना चाहती हूँ. मैंने अभी एक्चुअली ट्वीट किया था कि जो द नेशंस वॉइस इज़ द नेशंस चॉइस. सो जो हमारा जो इलेक्शंस होता है वो हमारे जो एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और जो भी हमारे कंट्री में है उनके लिए होता है. इट्स फॉर द कंट्री. सो आई अर्ज पीपल टू गो आउट देयर एंड कास्ट देयर वोट एंड मेक अ चॉइस. थैंक यू. थैंक यू. जस्ट कि मैं बहुत सारा केक खाने वाली हूँ. थैंक यू. Am I supposed to talk? Yeah. Ready? Ready? Yeah. हाय. फर्स्टली साउथ इंडिया से मैं अपने आप को रिलोकेट इसी साल किया है मैंने. जनवरी एंड में मैं बॉम्बे आई हूँ एंड कईयों से पहले ही मेरी यू नो पहचान थी. एंड न्यूली आई एम मीटिंग मीडिया. आई एम मीटिंग फोटोग्राफर्स. आई एम अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस. वहाँ पे कुछ 40 फिल्मों में काम किया है और यहाँ पे बहुत नया नया माहौल है. बहुत ताज़ा लग रहा है सब कुछ. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू फर्स्ट इवेंट्स ऑफ माई लाइफ दैट आई एम अटेंडिंग इन बॉलीवुड. काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग इवेंट. एंड यहाँ पे बॉम्बे में मैं कुछ काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट सुन रही हूँ. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड दिस ईयर एंड मीट ऑल ऑफ यू मोर ऑफन. मैं मेरे डैडी के बाद अगर मेरे और के ड्रीम हीरो थे एज अ चाइल्ड आई फेल इन लव विद शाहरुख खान आफ्टर आई वॉच बाजीगर. तो येस आई थिंक ही विल ऑलवेज बी माई ड्रीम हीरो. बट आजकल के नौजवान जो बहुत काफ़ी नए जेनरेशन आ गए हैं जैसे राजकुमार राव विकी कौशल
एंड सो मेनी कार्तिक आर्यन आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद दीज गाइज दे आर ब्रीज ऑफ फ्रेश एनर्जी एंड आई समवेयर रियली फील लाइक आई कनेक्ट विद द न्यू जनरेशन थैंक This is the first time I'm at the Maharashtra Achievers Award and it's I've read so much about it, I've seen so much about it, so it's great to be here. I can tell you more after I'm done with it. I can't speak about the projects yet. I did a film last with Rajnikanth sir, which released recently, so you'll hear about it soon. Thank you. Thank you. थैंक्स यार, बहुत भारी है, मतलब असली में भारी है, वैसे भारी नहीं. मैं थोड़ा मराठी में कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे बस की नहीं है क्योंकि मैं नाम का रानी हूँ और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी हियर. माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम रत्नागिरी एंड सारी मराठी जब कोई पुलिस में जब कोई कॉप पकड़ते हैं सिग्नल पे तभी निकलती है, दिल से निकलती तब मराठी. लेकिन उसके अलावा मैं बड़ी काफ़ी अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट प्रैक्टिस द लैंग्वेज अ लॉट बिकॉज आई ग्रू अप इन ग्वालियर. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी हैप्पी दे हैव इनवाइटेड मी एंड कहीं ना कहीं मेरे फोर फादर्स देख रहे होंगे, दे वुड ऑल्सो बी प्राउड. आई थिंक अप्रिसिएशन इज एवरी थिंग सिंस जब से आप बच्चे थे तो आप कुछ भी अच्छा करते थे तो आपके पेरेंट्स आपको एक टॉफी या कुछ देते थे. स्कूल में दे यूज टू कॉल यू आउट एंड मेक यू स्टैंड. मुझे दूसरे रीजंस की वजह से स्टैंड कराया जाता था क्योंकि मैं होमवर्क नहीं करता था. लेकिन जो अच्छे घर में कुछ अच्छा करते हैं या स्कूल में कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हमेशा पुरस्कार दिया जाता है. तो आई थिंक अप्रिसिएशन इज एवरी थिंग क्योंकि एक दिमाग के अंदर एक पार्ट होता है, रिवॉर्ड एरिया होता है वहाँ पे, जो जब वो क्लिक होता है तो वी फील वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी अकम्प्लिश्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सर थॉट प्रोसेस यही है कि कहीं ना कहीं जैसे आपको याद रह गया अगर वो, तो वही मेरी कोशिश है और इससे ज़्यादा मेरे बस में कुछ है नहीं.
मेरी कोशिश ये है कि लोग जो भी देखें उनको याद रह जाए कुछ, उसमें से कोई एक चीज़ उनके दिमाग में, दिमाग को, दिल को टच करे। कोशिश यही है, अभी अभी भी वही कोशिश है। इट्स अ लवली जर्नी वेयर वन हैज़ टू फाइंड हिज ओन फुटिंग, सो उसी में हम लोग सब लगे हैं। हाँ, आई थिंक घर पे कंप्लेन हम लोग करते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके वोट करेंगे तो हमें ज़्यादा कंप्लेन करने का हक है। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाहर जाइए, वोट करिए, उसके बाद अपनी राय आगे रखिए।